समय के साथ टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव आ चुका है। 21वीं सदी में ये पहले से भी कई गुना तेजी से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ लोगों की आदतों में भी काफी बदलाव आए हैं, और पहले जहां लोग कैसेट्स आदि से गाने सुना करते थे, वहीं आज लोग मोबाइल और इंटरनेट से कहीं भी और कोई भी गाना सुन सकते हैं। इस चीज को लोकप्रिय बनाने में यूट्यूब का बहुत बड़ा हाथ है। आज के समय में हर म्यूजिक लेबल यूट्यूब और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही म्यूजिक लेबल की कहानी है जिसने समय के साथ बदलाव करते हुए खुद को न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक लेबल बना लिया है। हम बात कर रहे हैं टी सीरीज की। इसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों ने तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडियन म्यूजिक लेबल है जो कि म्यूजिक और फिल्म्स प्रोड्यूस करती है। बहुत से लोगों को शायद पता ना हो, पर इस चैनल के यूट्यूब पर 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि दुनिया की किसी भी और म्यूजिक लेबल से कई ज्यादा है। टी सीरीज को गुलशन कुमार ने शुरू करा था और इनकी कहानी काफी प्रेरणादायक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं टी सीरीज की कहानी शुरुआत से। गुलशन कुमार का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही बड़े सपने देखा करते थे, और खुली आंखों से जब सपने देखे जाएं तो वे अवश्य ही सच होते हैं। उन्हें शुरुआत से ही संगीत का शौक था और वह गाना गाने में काफी दिलचस्पी रखते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने पैसे कमाने के लिए जूस बेचना शुरू करा, पर इस काम में ज्यादा कमाई ना होने की वजह से उन्होंने अपने पैशन म्यूजिक को वापस फॉलो करा और खुद की आवाज में ओरिजिनल गानों को रिकॉर्ड करके बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने सुपर कैसेट नाम की कंपनी बनाकर सीडीज बेचनी शुरू करी। शुरुआती समय में तो वे पायरेटेड बॉलीवुड गानों की सीडीज भी बेचा करते थे। उनका खुद का म्यूजिक भी लोगों को पसंद आने लगा और उन्होंने अच्छा म्यूजिक कम दाम में बेचना शुरू कर दिया। कम दाम की वजह से कुछ ही समय में उनका बिजनेस बढ़ने लगा, पर अभी भी दिल्ली में उनको वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जिसके वो हकदार थे। इसीलिए उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई उनको रास आ गई और वहीं से उन्होंने टी सीरीज की शुरुआत करी। टी सीरीज का पहला ओरिजिनल साउंडट्रैक 1984 में लल्लू राम फिल्म से आया। इसके बाद टी सीरीज के लिए टर्निंग पॉइंट आया 1990 में आई फिल्म आशिकी से। इस एल्बम की कुल 20 मिलियन यूनिट्स बेची गई, जो कि इंडिया में किसी भी एल्बम के लिए सबसे ज्यादा है। इसके बाद तो टी सीरीज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी के साथ गुलशन कुमार का धार्मिक गानों की तरफ भी काफी लगाव था, और इसीलिए उन्होंने माँ वैष्णो देवी पर काफी गाने भी गाए। जब टी सीरीज अपनी ऊंचाइयों पर था, तब उसको अपने फाउंडर गुलशन कुमार को खोना पड़ा। गुलशन कुमार बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा कामयाब हो गए थे, और इसीलिए लोगों और आतंकियों की नजरों में आ गए थे। एक बार किसी डिस्प्यूट की वजह से 1997 में डी कंपनी द्वारा उनका मर्डर करा दिया गया। यह पूरे टी सीरीज और गुलशन कुमार के परिवार के लिए सबसे कठिन दौर था। इसके बाद कृष्ण कुमार, जो कि गुलशन कुमार के भाई हैं, और भूषण कुमार, जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने टी सीरीज मैनेज करना शुरू कर दिया। भूषण कुमार के आने के बाद टी सीरीज ने बहुत ही तेजी से काम करना शुरू करा और अपना ध्यान नई नई टेक्नोलॉजीज पर लगाना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में 2006 में टी सीरीज के यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई। जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी तो शायद किसी को नहीं पता था कि ये आगे चलकर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल बनेगा। इसके बाद तो समय की सुई चलती रही और टी सीरीज का ग्राफ ऊपर बढ़ता रहा। आपको बता दें, 2018 तक टी सीरीज के 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि दुनिया में सेकेंड हाईएस्ट हैं। इसके अलावा लगभग 40 बिलियन व्यूज के साथ ये मोस्ट व्यूड यूट्यूब चैनल भी है। टी सीरीज की कुछ फेमस एल्बम्स की बात की जाए तो उनमें तुम बिन, दिल है कि मानता नहीं, आशिकी 2, यारियां और सनम रे जैसी एल्बम शामिल हैं। टी सीरीज आज जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक पहुंचाने में कई लोगों ने कड़ी मेहनत करी है, जैसे उनकी दोनों बेटियां तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार। इसके अलावा गुलशन कुमार के जाने के बाद कृष्ण कुमार और भूषण कुमार ने भी टी सीरीज को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर ऐसा कहें कि उन्होंने इसकी शान में चार चांद लगा दिए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक लेबल टी सीरीज की। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और हम अगली वीडियो किसके ऊपर बनाएं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर नहीं किया है तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।